ओ माँ ने बच्चियों क्या पे कर रहे हो मेरी सेली बन कहनी तेरी है लाइन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, YouTube के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगर मैंने बाय फेस अपलोड कर दी तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये किस तरह की वीडियो बना रहा है, इस बंदे के व्यूज नहीं आ रहे फिर भी वीडियो अपलोड करता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यार, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी फेस ये किस तरह का फेस है या फिर मेरा कद छोटा है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। लोग इसी डर से, सिंपल इसी खौफ से अपनी वीडियोज अपलोड नहीं करते या फिर इसी खौफ से अपना चैनल नहीं बनाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर बंदा चैनल बनाएगा तभी ग्रो करेगा और तभी आगे आएगा। लोगों के अंदर टैलेंट कूट कूट के बड़ा हुआ है जी, यानी कि हर बंदे के अंदर टैलेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वजह बस यही है कि वो लोगों की बातों के डर से ही अपना चैनल नहीं बनाता और आगे नहीं आ पाता। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा क्लिप दिखाया था यहाँ पर, उसका नाम मरियम है, एक मरियम लड़की है जिसका कद छोटा है, यानी कि आप लोग ये अगर बात करें पर्सनैलिटी में तो पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं हो सकती अगर हम सिंपल कद को देखें या शक्ल को देखें, लेकिन टैलेंट की बात करें तो टैलेंट उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। और उस बंदी ने सिंपल इसी खौफ को खत्म किया कि लोग क्या बोलेंगे और उसने अपना चैनल बना डाला, अपना व्लॉगिंग का चैनल बनाया, वो भी एक छोटे कद के साथ। और सबसे बड़े लोग यही का काम करते हैं कि जैसे जिसके बंदे का कद छोटा होता है या फेस अच्छा नहीं होता वो लोगों के सामने नहीं आता या फिर इरिटेट करता है, और लोग भी उसको इसी बात का निशाना बनाते हैं कि यार तुम छोटे हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे होना चाहिए थे। लेकिन इस बंदी ने, मुझे इसका टैलेंट यही सबसे अच्छा पसंद आया कि ये लोगों के सामने आई है। और इसका अगर आप लोग चैनल देखें तो इसके ऊपर 27K सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस वक्त। और चैनल कब बनाया, सिंपल एक मंथ पहले, 16 जनवरी 2022 को, यानी एक मंथ पहले सिंपल इन्होंने चैनल बनाया है। इनके व्यूज चेक करो, 85K व्यूज, सबसे जो टॉप वीडियो है दो दिन पहले लगाई है उसके ऊपर 85K व्यूज। अगर आप लोग ये समझें कि मेरा फेस अच्छा हो, पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी हो, उसके बाद व्यूज आते हैं, उसके बाद चैनल ग्रो करता है, तो आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। YouTube के ऊपर ना ही आपको फेस चाहिए, ना ही आपको पर्सनैलिटी अच्छी चाहिए, लंबा कद चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिंपल आपका टैलेंट चाहिए। वो आपके पास कोई भी टैलेंट हो सकता है, आपके पास बोलने का टैलेंट है, आपके पास लिखने का टैलेंट है, आप कोई चीज़ लोगों को अच्छी तरह समझा सकते हैं, जो भी चीज़ आपके अंदर है उसके बारे में अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दें। और इस बंदी ने ये प्रूव कर दिया है कि आपके पास टैलेंट हो तो आप लोग ग्रो कर जाते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिंपल 2 मंथ के अंदर उसने ग्रो करके दिखा भी दिया है। और आप लोग अगर देखना चाहो तो यहाँ पर सर्च करो प्यारी मरियम, आपके पास इसके व्लॉग सामने आ जाएंगे। और इसने अपनी वीडियो के अंदर खुद बताया कि पहले लोग इसके साथ बात करते शर्माते थे, बात करना अच्छा नहीं था लगता कि क्या हम छोटी सी लड़की से बात करें, छोटे कद वाली औरत से बात करें, लेकिन अभी वही लोग इनका इंटरव्यू लेने के लिए तरसते हैं, बहुत से लोगों ने इसके इंटरव्यू किए भी हैं। अगर आप सिंपल सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट इंटरव्यू मिल जाएंगे, उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ये तो सिंपल 2 दिन से मैंने अपनी स्नैक वीडियो ओपन की, यूट्यूब पर गया, फेसबुक पर गया, जहां भी जा रहा हूं वहां पर इसकी वीडियो शो हो रही है। जैसे मैंने इसका चैनल ओपन किया तो पता चला जी 2 मंथ पहले चैनल स्टार्ट हुआ है, लेकिन टैलेंट की बेसकर सबसे आगे आ चुकी है। अभी आपने अपना वक्त जाया नहीं करना, अगर आप लोग अच्छे नहीं लगते, लोगों को नहीं लगते, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने आप में बहुत अच्छे हो, अपने आप में सबसे ऊपर हो, और ये बात आप लोगों ने साबित करनी है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर आपका फेस अच्छा नहीं है, आपका कलर अच्छा नहीं है, आपका कद अच्छा नहीं है, लेकिन आपका टैलेंट सबसे अच्छा है, और इस दौर में अभी उसी की वैल्यू है, उसी दौर में अभी वही बंदा ग्रो करता है जिसके अंदर टैलेंट है। वैसे अच्छे अच्छे लोग तो बहुत घूम रहे हैं जो कि किसी काम के नहीं है, और आपने इस बात को साबित करके अभी दिखाना है। आई होप सो आप लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिव हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।